डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। तो डीजल को एक तो यह मुश्किल पड़ी हुई है कि वो 12वां खिलाड़ी बना हुआ है, दूसरा वो जानता है कि पख्तूनख्वा में क्या हुआ था। जब तहरीक इंसाफ ने 5 साल पूरे किए तब पख्तूनख्वा के अंदर बामुकाबला सारे सूबों के सबसे तेजी से गुर्बत पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के दौर में कम हुई थी। तो ये डरा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी उन्होंने किताब में सर्वे करके बताया है कि 2013 से 2018 में पख्तूनख्वा में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी, अमीर गरीब में फासला सबसे कम हुआ था। तो इसलिए मंडी भालरीन ये सब डरे हुए हैं, ये चोर ये डाकू, और डाकू ये सुन ले जरा बात, ये इमरान खान नहीं कह रहा ये डाकू है, 20 साल से एक दूसरे को ये डाकू कह रहे हैं। तो एक तरफ फजल रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया, और दूसरी तरफ एक छोटा मियां है, एक तो बड़ा भगौड़ा मियां है, एक छोटा मियां है। अब छोटे मियां को क्या मसला पड़ गया मंडी भाउदीन, वो छोटे मियां का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। मंडी भाउदीन नौजवानों, आप जानते हैं मकसूद चपड़ासी कौन है? चले मैं जरा आज आपको इंकशाफ करता हूं कि 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह में मकसूद चपड़ासी छोटे मियां की शुगर मिल, रमजान शुगर मिल में एक मुलाजम था, उसके बैंक अकाउंट में एफआईए ने पता चला एफआईए को कि तकरीबन 4 अरब रुपया 375 करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में आ गया। जैसे ही एफआईए को पता चला तो मंडी भाउदीन के नौजवानों पता क्या हुआ, पहले तो छोटे मियां ने अपने बेटे को लंदन भिजवाया, वो जल्दी जल्दी फरार हुआ रात को, वो इनका स्पेशलिस्ट था पैसे इकट्ठे करने वाला सलमान शहबाज, वो आज लंदन भाग गया। फिर मकसूद चपड़ासी को जल्दी से बाहर भिजवाया, जब नून लीग का दौर था तो अपने दामाद को छोटे मियां ने बाहर भिजवा दिया, हमारे दौर में नहीं, अपने नून लीग के दौर में बाहर भिजवाया। जब पता चला कि उसको सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिस से किराया मिल रहा था गवर्नमेंट के अदारे से, जबकि बिल्डिंग ही नहीं बनी थी, उसको बाहर भिजवाया। उससे पहले भगौड़े मियां का 2 बेटे नून लीग के दौर में बाहर भिजवा दिए, और आए सागदार को मुंशी को कौन भूलेगा, उसको ये खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर था अवाम के टैक्स के खर्चे पे अपने जहाज में इसने उसको बाहर भिजवाया। अब नौजवानों मुझे ये बताओ,
कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? पाकिस्तान की? हाँ, इमरान खान से डर है। इसलिए डर है कि इमरान खान की कोई कीमत नहीं, जनरल मुशर्रफ की तरह उसने आपको एनआरओ नहीं देना। केसेस आपके पुराने हैं, एनआरओ मेरे से मांग रहे हो जिस तरह जनरल मुशर्रफ से लिया था हुदैबा पेपर मिल का। कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। जब तक, ये सुन लो, जब तक मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं ये वापस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछता हूं कि आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। यह नहीं कि शहबाज शरीफ टेलीफोन करता है कि जस्टिस कयूम 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो, ये अब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडे से चीफ जस्टिस के ऊपर अब हमला नहीं कोई करता। हम अदालतों की इज्जत करते हैं। उसको पहले जस्टिस सजाद अली को डंडों से अदालतों से भगाया क्योंकि वो करप्शन का केस सुन रहा था, और फिर ब्रीफ केस चले, क्वेटा के बेंच को खरीदा गया, और अब मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। जितना जमात फिर बड़ा पिटना, जितना वही इमरान खान जितना, दूजिया जमात फिर बड़ा पिटना। जित जावे साड़ी तहरीक ये अज मेरा जी कर दे, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने। कभी नौजवानों, कभी आपने सुना है, कभी आपने सुना है के सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? पहले वो अरशद मलिक जज था, उसके ऊपर जी हम टेप हमारे पास है, फिर पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर एक टेप बनाई गई, एक फेक टेप बनाई गई अपने केस से बचने के लिए। ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है, और इस माफिया का मेरी कौम ने मुकाबला करना है। आपने मेरे साथ मिलना है, मेरे पे छोड़े, मैंने इनका आपको बता दिया, जब तक जिंदा हूं इन चोरों का मैं मुकाबला करूंगा। अच्छा जी, अब ये जल्दी क्या है? अदमे एतमाद वोट के लिए डीजल का तो हमें पता चल गया, जल्दी क्या है? शहबाज शरीफ को मकसूद चपरासी की मुश्किल पड़ गई है, उसे पता है कि जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वह बच सकता नहीं है। अगर हर जगह जी मैं बेकसूर हूं, अगर धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, नाम बदल दूंगा। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? कहो डे टू डे हेयरिंग करो, हर रोज मेरा केस सुनो। जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूं।
एक-एक जो जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से मांगे मैंने दिए, मैं तो कहीं नहीं भागा, मैंने तो डेटे नहीं ली, मैंने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को आज जल्दी केस सुनो। तो शहबाज शरीफ क्यों भाग रहे हो? आजाद अदालतें हैं, वो बेटे क्यों क्यों बार भगवाया हुआ है? वो भगौड़े मियां के दो बेटे क्यों बार भागे हुए हैं? और मरियम बीबी आप भी ये सिर्फ बता दें कि 80 करोड़ रुपया आपका चौधरी शुगर मिल में आपके पास जिस आदमी से, वो दुबई के आदमी से कहा भेजा, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। इसका मतलब कि वो भी डरी हुई हैं केस से, वो भी डरा रही हैं जजेस को। तो अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। और इंशाल्लाह आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। ये कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई, महंगाई हुई है मेरे पाकिस्तानियों, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। सारा वक्त मैं ये सोचता हूं कि किस तरह मैं अपनी कौम के ऊपर से बोझ उठा सकूं। और मैं अपने उन लोगों को जो हमारे सहाफी बरादरी के लोग हैं, मैं एक सिर्फ आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जब आप बताते हैं महंगाई है तो ये भी बताएं कि ये महंगाई क्यों है। महंगाई की वजह कोरोना के बाद जो सारी दुनिया में सप्लाई लाइंस यानी कि जो चीजें पहुंच रही थी कोरोना की वजह से बंद हो गई, और उसकी वजह से चीजों की कमी हुई, चीजें महंगी हो गई। आज पेट्रोल चंद भी 8-9 महीने पहले 40 डॉलर का जो पेट्रोल था वो आज 90 डॉलर पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? पेट्रोल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमने सारे अपने ड्यूटीज और टैक्सेस कम कर दिए ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। हर महीना हुकूमत को टैक्स कम करने का, ड्यूटीज कम करने का 70 अरब रुपए का नुकसान होता है, लेकिन हम क्योंकि लोगों पे बोझ ना पड़े हमने उसको कम कर दिया। हम नुकसान ले रहे हैं और इंशाल्लाह अभी और भी आपको चीजें बताएंगे कि कैसे आपके ऊपर बोझ कम कर सकते हैं। दूसरा, जरा यह सुने, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में इससे ज्यादा महंगाई थी, नून लीग के पहले साल में इससे ज्यादा महंगाई थी, लेकिन अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आज अमेरिका में। बरतानिया में 30 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है, जर्मनी में 26 साल के बाद आज सबसे ज्यादा महंगाई है, तुर्की में 20 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। और ये अगर आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर गूगल करें आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं। हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया में सारी चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, तेल, पेट्रोल, गैस, कोयला, घी, ये सब दुगने से ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो इसलिए मुझे एहसास है कि महंगाई है, लेकिन मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह आपके ऊपर बोझ कम करें, और आप देखेंगे हम कदम उठाते जाएंगे ताकि आपको बोझ ना आए। लेकिन
मुझे फखर है कि आज पाकिस्तान में हमारा मुल्क सही रास्ते पर निकल चुका है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है हमारी, इसका मतलब कभी इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान में नहीं आ रहा था जो आज है। हमारी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड है, कभी इतनी ज्यादा आमदनी नहीं थी जो आज है। जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, कभी इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान में नहीं भेजा जो आज उन्होंने भेजा है। और मंडी बहाउद्दीन तो ऐसी जगह है, यहां से बहुत ज्यादा लोग बाहर काम करने गए हुए हैं। मैं हमेशा ये समझता हूं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है, और उनको हमने अब वोट देने का हक दे दिया है। अब पहली दफा बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट देंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद कभी भी ज़राअत के अंदर इतना ज्यादा पैसा नहीं आया जो आज आ रहा है। कभी किसान को वो कीमतें नहीं मिली जो अब मिल रही हैं। शुगर, जब शुगर मिल के बाहर किसान खड़े होते थे, जिस रेट पे वो गन्ना बेचते थे वो कटौती करते थे, एक एक साल पैसा नहीं मिलता था। हमारी हुकूमत ने कानून पास करके आज जो भी किसान गन्ना बेचता है उसको कीमत मिलती है और पैसा मिलता है, और साल इंतजार नहीं करना पड़ता। ये वो हुकूमत है जो अपने किसानों के साथ खड़ी है, और मुसलसल मदद कर रहे हैं हम अपने किसानों की कि ज्यादा से ज्यादा कीमत हमारे किसानों को मिले। जब किसान खुशहाल होता है मुल्क खुशहाल हो जाता है। उसके अलावा मंडी बहाउद्दीन के लोगों, पहली दफा आपकी पाकिस्तान में एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनी है। इसका क्या मतलब है कि किसी अब दूसरे मुल्क से पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेता। पिछले दौरों में पाकिस्तान में ड्रोन अटैक होते थे, जो हमारा मुल्क हमारा एलआई था वही हमारे मुल्क पे बमबारी करता था, और हमारे हुक्मरान चुप करके तमाशा देखते थे। क्यों क्यों देखते थे नौजवानों? ये क्यों नहीं बोलते थे जब हमारे मुल्क पे बमबारी होती थी? क्योंकि इनकी दौलत, इनके पैसे, इनकी बिजनेस पाकिस्तान से बाहर पड़ी थी। ये उनके गुलाम थे और गुलाम हैं। अगर मेरे भी पैसे चोरी करके मैं बाहर भेज दूं, आज मैं भी ना बोल सकूं। अब मैं आज भी एक सुपर पावर को ये ना कहूं कि मैं तुम्हें बेच नहीं दूंगा। या ड्रोन अटैक हमारे दौर में क्यों नहीं होते? और मेरे पाकिस्तानियों, एक तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये हमारे मुल्क में इंशाल्लाह जो हम अपने नौजवानों के लिए आईटी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इनकलाब लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारी नौजवान आबादी है, पहली दफा पाकिस्तान में 70% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, और इसके ऊपर हम पूरा जोर लगा रहे हैं नौजवानों। इंशाल्लाह जो रोजगार इससे मिलेगा, फिर हम दो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आपके लिए कामयाब पाकिस्तान में। सूद के बगैर कर्जे अपने नौजवानों के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि खुद अपने लिए नौकरियां ढूंढ सके। और सबसे बड़ी बात, मंडी बहाउद्दीन के लोगों, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि पहली दफा पाकिस्तान में हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं। एक गरीब घर में जब एक बीमारी आती है, पैसा होता नहीं लोगों खानदान के पास, कर्जे ले लेते हैं इलाज करवाने के लिए। लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं जब कोई बुरी बीमारी एक गरीब घराने में होती है। लेकिन आपके लिए अब
दस लाख रुपए का हेल्थ कार्ड है, किसी भी अस्पताल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, अच्छे से अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं 10 लाख रुपए तक। ये पहले क्यों नहीं हुआ नौजवानों, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये दो बड़े खानदानों को खांसी भी होती थी, ये लंदन चले जाते थे चेकअप के लिए, लंदन चले जाते थे। इनको क्या पता कि यहां लोगों की किन किस्म की मुश्किलों का ही आवाम सामना करता था। तो इंशाल्लाह ये शुरुआत है, हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है, जिसके लिए यह मुल्क बना था, इस्लामी फलाई रियासत। और उसके सफर में सबसे बड़ा कदम जो हमने उठाया है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत कार्ड का। तो इसका आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि अमीर तरीन मुल्कों में भी हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, जो इंशाल्लाह ये मार्च तक सारे पंजाब के अंदर आ जाएगी। इसके लिए भी उस्मान बुज़दार, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, 400 अरब रुपया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि 400 अरब रुपया आपने मुख्तस किया है अपनी सारी आवाम को हेल्थ इंश्योरेंस देने का, हर खानदान को। इसका तो आपको अल्लाह भी सवाब देगा। और आखिर में अपने पाकिस्तानियों को मैं अपनी आखिर में यह बात करना चाहता हूं, और यह बड़ा गौर से आपने मेरी बात सुननी है। कुरान की आयत, मेरे नौजवानों, कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नहि अन मुनकर। इसका क्या मतलब है? जब मदीना की रियासत बनी तो याद रखें वो दो असूलों के ऊपर खड़ी हुई, एक था इंसाफ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई, जिधर जब छोटा चोर चोरी करता था तो उसको जेल में डाल देते थे, लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको आपका निजाम नहीं पकड़ सकता था, कौम तबाह हो जाती है। तो एक वो उसूल था, इंसाफ के ऊपर एक कौम खड़ी होगी, मदीना की रियासत उसकी बुनियाद इंसाफ पर रखी गई, और दूसरा अमर बिन मारूफ। अब ये सुन लें, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें सबसे अजीम कौम, मुसलमानों सबसे अजीम कौम दुनिया की इमामत के लिए बनाया, और फिर कहा कि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बदी को खत्म करते हो। यानी कौम जब तक अच्छाई के साथ ना खड़ी हो और बुराई के खिलाफ जहाद ना करे, वो कौम अजीम कौम नहीं बन सकती। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ये देखें कि जिस मुल्क में एक लीडर जो अपने आप को लीडर कहता है, अगर चोरी का पैसा छुपाने के लिए मकसूद चपड़ासी के पास 4.25 अरब रुपया रखता है, और उसको बजाय कौम उसको जेलों में डाले, वो उसके ऊपर उसको लीडर समझती है, उसको तकरीरें करवाती है, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। मौलाना रूमी ने भी ये कहा कि कौम तब तबाह होती है अच्छे बुरे की तमीज जब खत्म हो जाती है। वो जो बगौड़ा बार बैठा हुआ है, कई सहाफियों ने कहा जनाब उसको तकरीर करने का मौका दिया जाए, यानी कोई, मैं उन सहाफियों से पूछता हूं आप में अच्छे बुरे की तमीज नहीं,
अगर उसको तकरीर करने का मौका दिया जाए तो जेलों में जो गरीब चोर फंसे हुए हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। अगर बड़े चोर को अब बुरा नहीं कहता माशरा तो फिर चोरी में बुराई क्या है? क्यों कोई मेहनत करे? आप नौजवान हो, आप जब देखेंगे एक चोर चोरी करता और माशरा उसको नवाजता है, फूल फेंकता है, लीडर बना देता है, तो आप भी सोचते हैं कि हम पागल हैं कि पहले पढ़ें 12 साल 15 साल फिर मेहनत करें सुबह से लेकर शाम तक, और हम हलाल की रोजी जब कमाएं तो हमारे तो कोई पूछता नहीं और हम धक्के खाते फिरते हैं और चोर उस मुल्क में बड़े बड़े ओहदों में पहुंच जाएं और पता भी चल जाए कि जब मकसूद चपरासी के पास अपने चोरी का पैसा आप छुपाते हैं और फिर भी आपको तकरीरें करने का मौका मिलता है तो कौन मेहनत करेगा? क्यों मेहनत करेगा कोई? इसलिए अल्लाह ने हमें कुरान में कहा है कि अगर माशरे ने उठना है अच्छे बुरे की तमीज करो। मैंने मगरब में अपनी 20-30 साल गुजारे हैं, आप अगर उधर चले जाएं आपको हैरत होगी कि वो माशरे हैं जो अल्लाह के पैगाम पे हमारे से बेहतर चल रहे हैं। याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। मतलब ये कि जो भी उनके पैगाम पे चलेगा अल्लाह की नेमतें उनके ऊपर आएंगी, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, जो उनके हुक्म पे चलेगा वो माशरा खुशहाल होगा। और जो माशरा बशक हम अपने आप को मुसलमान कहें, उनके अहकाम पे जब हम नहीं चलेंगे तो उस माशरे के ऊपर अल्लाह की बरकतें नहीं आएंगी। इसलिए मैं इनके कोई मेरी इन चोरों के साथ जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बन के देखना चाहता हूं, इसलिए मैं इनका मुकाबला कर रहा हूं। मैं फिर से मंडी बाउद्दीन आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अपने MNAs MPs सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इस शानदार जलसे का मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा, मैं पहले भी आया था इलेक्शन से पहले, हमेशा आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान। पहली बार असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। नवाज शरीफ बीमारी के बहाने झूठ बोलकर बाहर गया। अपोजिशन डाकुओं का टोला है जो डरा हुआ है, जब तक कौम का पैसा वापस नहीं करेंगे इनको नहीं छोड़ेंगे। अदालतों का एहतराम करते हैं, माजी के वतीरे और अदलिया पर हमले अब नहीं होते, अदालतें आज़ाद हैं। बताएं कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से और क्यों आया? महंगाई का अदराक है लेकिन इसकी वजूहत, आलमी मार्केट में कोरोना के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और अजनास की कीमतों में इजाफा है। बहुत सारी अजनास जो हैं वो दरामद करते हैं जिसके दरामदी असरात जो हैं वो महंगाई की वजूहात में शामिल हैं। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में कोशा हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। तरसीलात जर बरामदात जरी अजनास की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। पहली बार आज़ाद खारजा पॉलिसी तश्कील दी गई है, नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जे फराहम कर रहे हैं, हर ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो फराहम की जा रही है ताकि गरीब आदमी का मायार ज़िंदगी बुलंद किया जा सके और उनसे सेहत की सहूलतें फराहम की जा सकें। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मज़ीद कहना था कि मुल्क कौम की बेहतरी के हवाले से तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे और अपोजिशन को, मुल्क लूटने वालों को, बिलखसूस जिन्होंने करप्शन की है उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। इनको इमरान खान का डर है, ये जानते हैं कि इमरान खान इनको नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा उनका यह मज़ीद कहना था कि अगर शहबाज शरीफ ने धेले की भी करप्शन नहीं की है तो फिर अपने खिलाफ जो केसेस हैं, जो तहकीक है, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता? क्यों ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए करके इल्तवा का शिकार किया जाता है? और ख़ास तौर पर जबकि अब सबूत सामने आ चुके हैं मकसूद चपरासी के उनका अकाउंट का, खसूसी तौर पर उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को अब आगे आना चाहिए और आकर एहतसाब का सामना करना चाहिए। इसके अलावा मजमू तौर पर रियासत मदीना के हवाले से बात करते हुए उनका यह कहना था कि रियासत मदीना की तरस पर गरीब आवाम की जो फलाह है उसके हवाले से मजीद इकदाम किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने